दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू एंड सुंदरनगर। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी जिला मंडी शाखा के आपदा प्रबंधन की टीम दोबारा से आम जनता को जरूरतमंद वस्तुएं मुहैया करवाने के लिए जुट गई है। इसी कड़ी में उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत डूमत बेहली में सर्व संकल्प अभियान के तहत सोसाइटी के सदस्य द्वारको देवी के घर पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। इस आपदा की घड़ी में रेडक्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर दिलेराम ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि अगर उन्हें कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वे हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं। जिला उपायुक्त मंडी व भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा मंडी के अंतर्गत सर्व संकल्प योजना के तहत मैंने आज सुबह ग्राम पंचायत डूमटवेड़ी के गांव खट्टी में दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों का हाल चाल पूछा। वो जिनको कई दिन पहले वैक्सीन का टीकाकरण किया गया था उनको दवाइयां वो अपना मोबाइल नंबर दिया और बताया गया कोरोना कर्फ्यू के तहत आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी समस्या को मंडी प्रशासन तथा भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा मंडी में पहुंचा सके। धन्यवाद। मैं दिलेराम, सोशल इमरजेंसी रिस्पांस वॉलंटियर, तहसील नेरी, खंड सुंदरनगर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहां कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं और यहां भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।